स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने आपको पी ब्लॉक यूनिट स्टार्ट करवा दिया था और उसकी प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करवा चुके हैं। एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो आज हम स्टार्ट करवाने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेटेलिक करैक्टर जिसको तुम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर भी बोलते हो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डेंसिटी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं बात करूं ग्रुप नंबर 13 की, क्योंकि पहले तो ग्रुप नंबर 13 को फिनिश करेंगे भाई। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है भाई? बोरोन है, ओके, और फिर एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इरिडियम है और थैलियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोरोन की अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो है 801 और इसकी होगी स्टूडेंट्स 577, 579, 558 और 589। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है किलो जूल पर मोल में आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम इसका ट्रेंड को एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए जनरली स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। अगर एटम की साइज स्मॉल है तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड रहेंगे और जिनको लॉस करवाना, वहां से रिमूव करवाना मुश्किल रहेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम, मीन्स किसी भी एटम के आखिरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाए उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं बोरोन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 और 3 बोरोन में ये होता है, एल्यूमिनियम में क्या होता है भाई 2, 8 और 3। तो जितनी साइज बढ़ती जाएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। जनरली तो ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या रहेगा, आसान रहेगा। सिंपल है ना स्टूडेंट्स, इस बात को आप यू समझो, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे हो, ओके, आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे हो और आपका दोस्त आपके पास आता है, कहता है कि चले भाई खेल लें, तो आप कहोगे यार मेरा पापा जी यहीं पे बैठे हैं, मेरे फादर हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता खेलने के लिए, क्योंकि आप अपने फादर के नजदीक थे। ऐसे ही अगर पेरेंट्स यहां है और आप यहां हो स्टूडेंट्स, फिर आपका दोस्त आता है, तो आप थोड़ा बहुत अपने पापा जी को यूं कह सकते हो नजरअंदाज करके यहां से निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके फादर मान लीजिए दिल्ली हैं और आप महेंद्रगढ़ में बैठे हो, क्लियर है, यूरो स्कूल में, वहां से अगर कोई बच्चा आ जाए आपको खेलने के लिए कि चले भी खेलने चलते हैं, तो आप इजीली वैकेंट लेक्चर में खेलने जाओगे बिकॉज आपका फादर वहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप यह समझ सकते हो कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा रहेगा वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना भी उतना ही मुश्किल रहेगा, और इसी को क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया? ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन एटॉमिक रेडियाई, बट नॉट ओनली एटॉमिक रेडियाई, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाफ फील्ड, एग्जैक्टली फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन। ठीक है, जो कि इसमें तो इफेक्ट नहीं लगने वाला है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको तुम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हो, और न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी बातें स्टूडेंट्स अफेक्ट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी को। आइए पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज। एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए डिक्रीज कर गई क्योंकि लार्ज साइज होगी, न्यू सेल ऐड होगी ना इसमें, न्यू सेल क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ओके, तो अब सर यहां गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों हो गई? तो आपको बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर 3d10 मींस डी ऑर्बिटल एंट्री कर जाता है, यहां भी डी ऑर्बिटल आ जाता है स्टूडेंट्स 4d10, और यहां तो स्टूडेंट्स 4d10
तो छोड़िए 5d10 और 4f14 भी आ जाता है, क्लियर। तो एफ ऑर्बिटल आने की वजह से स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल आने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज अनएक्सपेक्टली इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए स्टूडेंट्स, तो इसलिए न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रीनिंग जो चार्ज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। ये लाइन याद रखोगे, क्या करते हैं, दे डिक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट, और न्यूक्लियर चार्ज इस वजह से इंक्रीज कर जाता है। देयरफॉर गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इनिडियम की साइज सर जी, इसमें भी तो डी ऑर्बिटल आया था, फिर इसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं बनी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते तो साइज भी तो इंक्रीज कर रही है साथ साथ, तो इसमें साइज इंक्रीज कर गई। लेकिन फिर इसके बाद इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ जाती है थैलियम में, क्योंकि एफ और डी ऑर्बिटल दोनों ही है इसमें, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा हो गया, साइज का इसके अंदर इतना ज्यादा फैक्टर नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर से बता दूं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि साइज क्या है इसकी, स्मॉल है, क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम हो गई क्योंकि नई सेल, न्यू सेल ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और आखिरी सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो जाता है साइज बड़ी होने की वजह से। गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए, से ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है, कॉन्फिगरेशन मैंने लास्ट वीडियो में डाल रखे हैं, वहां से देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप स्टूडेंट्स इसकी कॉन्फिगरेशन चेक कर सकते हो। तो डी ऑर्बिटल आने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज कर गया और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल हो गया। ओके सर, तो रही बात इनिडियम की, इसने भी तो सर डी ऑर्बिटल आया है, तो क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज भी तो बढ़ रही है भाई, लेकिन थैलियम के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल सडनली आने की वजह से, एफ ऑर्बिटल आने की वजह से और भी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो गया, पेनल्टीमेट सेल ने स्पिनिंग इफेक्ट को डिक्रीज कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगी, और जैसे मैंने बोला उनको आप नोट करोगे, अगर मैं लिख के बताऊंगा आपको तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मुझे प्रॉपर्टी काफी करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात। तो स्टूडेंट्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती जाएंगी, क्यों होती जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद में और भी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा आपको बता दूं, एस ब्लॉक एलिमेंट की बजाय तो ग्रुप नंबर 13 की आयोनाइजेशन एनर्जी है ही ज्यादा, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस, ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट होते हैं एल्कली मेटल, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसीलिए ग्रुप नंबर 13 की आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा है उनसे, ठीक है, वो अलग बात है, ग्रुप नंबर 14 से कम है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स आज, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी क्योंकि इससे पहले मैं दो करवा चुका हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी आपके स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखो बच्चों आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, भी सॉलिड तो मेल्ट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, वही तो क्या होगा गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में चेंज होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। चलो मैं एलिमेंट लिख देता हूं, बोरोन लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, और गैलियम लिख दिया, उसके बाद में इनिडियम लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया थैलियम लिख दिया। तो बोरोन की मेल्टिंग पॉइंट, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट होता स्टूडेंट्स 2453 केल्विन, और इसका होता 933 केल्विन, इसका होता 303 केल्विन, इसका होता 430 केल्विन, और इसका होता है 576 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये केल्विन में है। ओके और रही बात बॉइलिंग पॉइंट की, ये है स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट्स 3923 और 2740, 2676, 2553 और 1730, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी केल्विन में है। आइए मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि
कि मेल्टिंग पॉइंट में ये इरेगुलरिटी क्यों आई है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स देखिए, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे, ठीक है स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग पे, मेटलिक बॉन्डिंग पे, मेटल तो नहीं है ये, तो बॉन्डिंग पे बोलेंगे। बॉन्डिंग पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो बोरोन है स्टूडेंट्स, आपको बता दूं बोरोन है उसके 12 एटम इकट्ठे हो जाते हैं, बोरोन के केस में 12 एटम इकट्ठे होके और एक क्लस्टर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लस्टर मीन्स होते हैं 12 बोरोन के एटम इकट्ठे होके क्लस्टर बना लेते हैं, क्लस्टर मीन्स गुच्छा बना लेते हैं, और उस क्लस्टर के जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स वो होती है ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया, मीन्स हाईली क्लोज पैक्ड हो गया, और उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आइसोहेड्रन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। आइसोहेड्रन में स्टूडेंट्स 12 कॉर्नर होते हैं और 20 फेस सेंटर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट अटैक मार रहा हूं मैं नेट और आईआईटी मेन के लिए, इसलिए जरूर नोट कर लेना इनको, ये डाटा ऐसे ही याद नहीं किए मैंने, क्लियर है, तो आप लोग भी प्लीज इनको रिमेम्बर रखो, और अगर मान लीजिए आप डाटा भी याद नहीं कर सकते हो तो खैर पेपर में डाटा तो कभी नहीं आते, बट यूं आ जाता है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है। तो मैंने तरीका बता दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं बता चुका हूं, वीडियो को दोबारा से देख लेना, ओके। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इन सब से इतना ज्यादा क्यों है, स्मॉल साइज है, बोरोन में 12 बोरोन के एटम इकट्ठे होके एक क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है, मींस एक गुच्छा बना लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, मींस ज्योमेट्रिकल होता है, वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आइसोहेड्रन, और उस आइसोहेड्रन स्ट्रक्चर में 12 कॉर्नर होते हैं, 20 फेस सेंटर होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड हो गया और उसका मेल्टिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टली सभी से ज्यादा मिला। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम की, इनिडियम की और थैलियम की। तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, इनिडियम, थैलियम ये बनाते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर, लिख देता हूं एल्यूमिनियम, इनिडियम और थैलियम ये बनाते हैं सीसीपी, मतलब क्लोज क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज मैं लिख देता हूं क्लोज क्यूबिक और पैक्ड स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स क्लोज क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। रही बात गैलियम की, ठीक है स्टूडेंट्स, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, देख सकते हो, मैं सर्कल में ले लेता हूं इसको और स्टार भी लगा देता हूं, ठीक है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि गैलियम का जो स्ट्रक्चर है वो अनयूजुअल है और ये केवल Ge2 फॉर्म में ही चेंज होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट्स, गैलियम का जो स्ट्रक्चर है वो अनयूजुअल स्ट्रक्चर है और ये Ge2 फॉर्म में ही चेंज होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसकी इतनी ज्यादा क्लोजली पैक्ड पैकिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया, डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें आइसोहेड्रन स्ट्रक्चर बनता है, मींस 12 बोरोन के एटम इकट्ठे होके और एक क्लस्टर बना लेते हैं जो बहुत ही ज्योमेट्रिकल होता है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, इनिडियम का मेल्टिंग पॉइंट, थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है स्टूडेंट्स क्योंकि ये सीसीपी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अलग बात है। एल्यूमिनियम का इन दोनों से इसलिए ज्यादा है क्योंकि साइज भी स्मॉल है और इसके अंदर थैलियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया था एफ ऑर्बिटल आने की वजह से, इसलिए। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम इसलिए है क्योंकि इसमें अनयूजुअल स्ट्रक्चर बनता है, मीन्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता और एक डिस्टोरेशन आ जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं बनता, जिसकी वजह से ये Ge2 फॉर्म में चेंज हो पाया। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन मिलेंगी। इस प्रकार अगर आपने मेरा लेक्चर सुन रखा होगा, देख रखा होगा तो आप क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का ज्यादा है,
एल्यूमिनियम का कम, गैलियम का कम, इरिडियम का कम और थैलियम का सबसे कम। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीजेस, लगातार ही घट रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट डिक्रीजेस। स्टूडेंट्स ये बातें आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स बोरोन से लेके थैलियम तक साइज बढ़ती जाएगी। ये तो आपको पता ही, बॉइलिंग पॉइंट केवल लिक्विड स्टेट में ही होता है भाई, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी होता है। तो लिक्विड स्टेट में जब लेके जाएंगे तो इनकी बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, लगातार घटता जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स, वो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पे। लिख देता हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का मीन्स इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी। इसको तो स्टूडेंट्स मेटलिक करेक्टर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मेटलिक करेक्टर भी, मीन्स इनमें कौन अच्छी मेटल है कौन अच्छी मेटल नहीं है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब तो यही होता है सर। तो मैं बता देता हूं आपको, देखिए डाटा से मैं समझाऊंगा स्टूडेंट्स। बोरोन लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम लिख दिया, गैलियम लिख दिया, इरिडियम लिख दिया और ये आपका थैलियम लिख दिया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बोरोन की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, बोरोन की इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स बहुत ही कम है। गैलियम इरिडियम की इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बहुत ही कम है। तो इनमें स्टूडेंट्स केवल और केवल एल्यूमिनियम मेटल है, बाकी ये नॉन मेटल, अच्छे वाली नॉन मेटल, और ये भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, ऐसा क्यों है देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बोरोन स्मॉल साइज का है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने में विश्वास नहीं रखता, गैलियम इरिडियम थैलियम इनके अंदर न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा हो जाता है। किस वजह से स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था डी और एफ ऑर्बिटल आने की वजह से, इसमें एफ ऑर्बिटल आ जाता है, इनमें डी आ जाता है। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और मैं तो आपको बताऊंगा एल्यूमिनियम तो स्टूडेंट्स ऐसा एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक नेचर भी दिखाता है। ये एक्स्ट्रा एडिशनल बात बता रहा हूं, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों प्रॉपर्टी आपको आ गई है। अब हम बात इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की। तो आपको पता चल गया होगा केवल एल्यूमिनियम ही मेटल है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में नॉन मेटल है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी में स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, देखिए बोरोन से लेके, बोरोन से लेके एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम, थैलियम, क्लियर, डेंसिटी रेगुलर ही इंक्रीज करती जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेंसिटी क्या करती जाएगी बेटा, रेगुलर इंक्रीज, रेगुलरली इंक्रीजेस। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स मास भी बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या रहेगी, लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी इस लेक्चर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि वीडियो लेंथ ही बन जाता ना, इसलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, देखिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम और ये थैलियम। बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है स्टूडेंट 2 और इसकी होती है 1.5, इसकी 1.6, इसकी 1.7, 1.8। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जितना जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होगी, उतना ही अच्छा मेटल भी तो होगा, है ना। लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक
करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहां से देख सकते हो एल्यूमिनियम है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मेटेलिक फैक्टर ज्यादा रहेगा। ठीक है, बोरोन की स्मॉल साइज है, इनमें वही फैक्टर लग जाएगा। तो बस सिंपल सी बात थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और नया वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब अगर आपको चैनल अब तक नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर ले।